हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक बहू, चलाती हूं टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब फी के बारे में। लैब फी बेसिकली तब आपके नज़र में आती है जब आप मेडिसिन परचेज करते हैं और आप वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे निकालते हैं। तो लैब फी क्या होती है? बेसिकली आप जब भी कोई भी फार्मेसी के पास जाएंगे तो वो जो आपको मेडिसिन देने का खर्चा होता है वो लैब फी होता है। और ये लैब फी आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं दवाई, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कॉस्को में कम होती है, नो फ्रिल्स जो वैसे चीपर ब्रांड है तो वहाँ बहुत कम होती है। फिर कहीं पे ये जैसे लॉबलॉज हो जाता है, लॉबलॉज मतलब शॉपर्स, जो शॉपर्स ड्रग मार्ट होता है, वहाँ करीब $11 की फ़ीस होती है। तो ये ऑलमोस्ट 6 to 12 या 15 भी कभी कभी वेरी कर जाता है। मोस्टली आपको 6 to 12 ही मिलेगा। तो लैब फी बेसिकली वो एलिमेंट होता है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में जो रीइंबर्स होता है अप टू अ लिमिट, वो भी अगर आपकी कवरेज हो तो। यूजुअली जो इंश्योरेंसेस होती हैं वो करीब $8 तक कवर करती हैं। तो अगर आप शॉपर्स पे जाएंगे तो आपकी जो लैब फी लगती है जैसे $11 की लगती है, 11 या कुछ की लगती है, तो उसमें से $8 तो आपकी इंश्योरेंस पे कर देगी। उसका जो रिमेनिंग है वो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है लैब फी में, ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बारी जाएं आप उतनी बारी ही लैब फी पे करें। मतलब आप जितनी बारी जाएं आपको उतनी बारी लैब फी तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बारी में हो सकता है आपको 2 बारी लैब फी पे करनी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जा रही हूँ और मैं एक एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ और एक स्टेरॉइड्स ले रही हूँ, राइट, हो सकता है उनका प्रोक्योरमेंट अलग हो, तो 2 लैब फीस भी लग सकती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम ये पहले से प्रिपेयर्ड रहे, ये क्वेश्चंस पूछे जब हम फार्मेसी में जाते हैं। अब द गुड न्यूज़ इज़ कि काफ़ी फार्मेसीज़ में, जैसे जो नॉट लाइक शॉपर्स, नॉट लाइक नो फ्रिल्स, नॉट लाइक कॉस्को, जैसे जो फार्मेसीज़ सड़क पे जो खुली होती हैं, समटाइम्स क्लिनिक्स में भी जो फार्मेसी होती है वहाँ भी आप ये बात कर सकते हैं। तो आप उनको जाके बस इतना ही बताएंगे कि आपकी मेडिकल कवरेज कितना कवर करती है, और आप उनसे दवाई लेने से पहले पूछिए कि आपका कितना कॉस्ट है लैब फी, और फिर अपना बताइए और देखिए अगर आपके साथ वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। ये वर्कआउट हो जाती है कॉस्ट, क्योंकि इनको अपनी फ़ीस तो मिल जाती है, आपसे जो लेना होता है वो गुडविल में आपसे नहीं लेते। और ये सेटिंग मोस्टली आपके सिस्टम में हो जाती है सेव। तो अगर आप फिर से उधर जाएंगे तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आपको आराम से आपकी दवाई उसी कियोस्क पे दे देते हैं। और दवाई जैसे मैंने आपको बताया था वो भी इंश्योरेंस कवर कर देती है, और वो भी डिटेल्स जैसे आप अपना और अपने स्पाउस का कवरेज सेव कर लेते हैं तो वो भी हमेशा के लिए आप उसके आपकी फ़ाइल में लग जाता है बेसिकली। तो आपको नेक्स्ट टाइम कुछ भी डिटेल्स नहीं देनी होती, और आपका बेस्ट प्राइस नहीं, ऑलमोस्ट फ्री में आपको मेडिसिन आपकी मिल जाती है, और आपको अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देना होता। ये एक छोटी सी टिप है जो आपको माइंड में रखना होगा जब आप कहीं भी मेडिसिन खरीदने जाएं, नहीं तो आप फालतू में एक्स्ट्रा पे कर देंगे जो आप अवॉइड कर सकते थे। आई होप ये टिप आपको यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेडिकल कवरेजेस जो मैं मेंशन करी थी कैसे वर्क करती हैं अब आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उसको भी, जो आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। Thank you for your love, thank you for your support. Please make sure that you subscribe to my channel. Till next time, this is your Tech Bhoo signing off.